जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा अपना तारुफ करवा दें आप। मेरा नाम आंचल है और गुलनाज ब्यूटी पार्लर है मेरा। बाय द वे नाम आपका आंचल है और सर पे आपके आंचल नाम की चीज नहीं। एक्सक्यूज मी, 3 घंटे लगा के मैंने अपने बाल बनाए हैं तो उस पर आंचल रख लूं। अच्छा जी, आप सर? जी मैं रिक्रूटिंग एजेंट हूँ। अच्छा, जो यहाँ से बेरोजगार बच्चों को, लड़कों को बाहर भेज दूँ। अच्छा, तो खुद भी मत करके एक चक्कर लगाएं बाहर। जी आप? मैं कोई कारोबार नहीं जी करता, मैं इस रिक्रूटिंग एजेंट के हाथ का डसा हुआ हूँ। अच्छा, पैसे दे बैठे होंगे? सारे पैसे ले गए हैं, कभी राधा किशन से पकड़ा जाता है, कभी किला दीदार सिंह से, आज तक इसका कोई पक्का पता ही नहीं आलीजा। अच्छा जी, आप फरमाए, आप तो किसी रेस्टोरेंट के मालिक लग रहे हैं। भाऊजी, जो रेस्टोरेंट में खाया पिया जाता है उसको हम पचाते हैं, यानी के पट्टी जिम सेंटर। अच्छा, जिम करवाते हैं लड़कों को। तो खुद भी यार आपको भी 2 डंडे लगा लिया करें। भाऊजी अपनी खैर है, हम तो लोगों की फिक्र कर रहे हैं, लोगों को सेहत बांट रहे हैं। और आप जनाब वाला बड़ा सर फेंक के बैठे हुए हैं। जुनैद साहब। जी जी। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मैंने आपका पेशा पूछा सर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैंने आपका पेशा पूछा, शोभा पूछा है। जुनैद साहब, खिदमत मेरा पेशा है, इंसानियत की खिदमत, और खास तौर पे जो पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, इकबाल के इस थॉट को पूरा करने के लिए मैं उनके साथ लगा हुआ हूँ। अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा आप काम क्या करते हैं। जुनैद साहब, मेरी हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, तो चट्टानों पे घर बनाते हैं सिर्फ? चट्टान हाउसिंग सोसाइटी नाम रखा है जी। तो पहाड़ी इलाके में बड़ी खूबसूरत सोसाइटी बनाई है मैंने, और चाहता मैं ये हूँ कि इकबाल ने जो ख्वाब देखा था शाहीन को चट्टानों पे बसेरा करवाने का, अच्छा, वो मैं पूरा करूँ। तो सरकार आपसे बात शुरू कर लेते हैं, ये भी इकबाल ने कहा था कि जी टैक्स नहीं देना चाहिए। जब इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, उस वक्त तो टैक्स का महकमा ही नहीं था ना। ये तो बाद में बहुत सारी गलत चीजें मुआशरे में और हमारे मुल्क के अंदर पैदा हो गई, और मैं समझता हूँ कि टैक्स का जो महकमा है ये सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान। आपको अपने तामीराती प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत से हर किस्म की मराहत दरकार होती है। आपको सड़कें चाहिए, आपको वहां पे पानी चाहिए, सेवरेज चाहिए, हर तरह का सिस्टम चाहिए। हाँ जी। तो हुकूमत वो पैसा कहाँ से लेके आएगी, या से भी फरमा दे हुकूमत को बता। मैं एक तो अर्ज कर दूं कि मैं कोई अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं वो सहूलतें हुकूमत से लेता। वहाँ पे गरीब गुरबा लोगों ने बसेरा करना होता है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। और मुझे लगता है यही है कि आप रिफाए आमा के लिए ये काम करते हैं, कारोबार के लिए नहीं करते, मुफ्त तकसीम करते हैं। एक्चुअली तो यही ही आप समझ लें, मुफ्त ही पड़ जाता है। आप ब्यूटी पार्लर की मालकन है, जरा बताए, आप लाखों रुपया रोजाना का कमाती है, टैक्स देते हुए क्या हो जाता है आपको? देखिए सर, बात यह है कि आपको लाखों रुपया तो नजर आ रहा है लेकिन अखराजात नजर नहीं आ रहे। देखिए आप कारोबार में होते हैं। नहीं देखिए, लाख रुपए तो मैं उस शॉप का किराया दे रही हूँ जहाँ मैंने अपना ब्यूटी पार्लर बनाया। बिल्कुल, आप नेट कमाई जो आपका प्रॉफिट है उस पे आप टैक्स दें। लेकिन टैक्स प्रॉफिट है कितना जिसमें सिर्फ 2 रोटियां और हांडी सिर्फ पूरी होती है घर की? आप लोगों में से ज्यादातर जो है वो योमिया 1-1 लाख रुपया कमाते हैं। 1-1 लाख रुपया योमिया। सर पता नहीं वो कौन लोग हैं जो लाखों रुपया डेली कमाते हैं। मैं तो 20-25 हजार रुपया कमाती हूँ और 30-35 हजार रुपया मेरा अपना सामान लग जाता है। ओ, तो इसका मतलब है आप तो फिर कौम की वाकई खिदमत कर रही हैं। पल्ले से रोजाना 10-15 हजार रुपया कौम की बहन बेटियों के हुस्न पे लगा रही है। नो डाउट। एक मिनट में बीबी आंचल, आंचल आंचल बीबी गुस्सा ना कीजिएगा। 30-35 हजार आपका सामान क्या लग जाता है? मेकअप में सरिया वरिया इस्तेमाल करती है? कुछ पता है आपको सिर्फ बेस का क्या रेट है जी? कितना होगा? 550 की तो सीमेंट की बोरी आती है। अगर सारा मुंह आप ढा के भी बनाएं तो 1 बोरी में मेरा ख्याल है 20-25 मुंह बन जाते हो। ये देखा, दूसरे का कारोबार है तो इसलिए आप कह रहे हैं कि सीमेंट की बोरी 550 की आती है। अगर आपसे टैक्स मांगा जाए तो यही सीमेंट की बोरी आप कहेंगे जी 2000 रुपए की आती है। नहीं देखें जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। से आपकी हिम्मत है, जब आप इधर मुड़ते हैं ना
तो मुझे लगता है कि आप वापस नहीं मुड़ पाएंगे, लेकिन आप वापस मुड़ जाते नहीं, ये दाएं बाएं तो अब मैं होता रहता हूँ। मसला ये है जुनैद साहब, कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बीबी का काम है ये कोई जरूरी नहीं है। मेकअप के बगैर मर्द या औरत जिंदगी गुजार सकता है, मगर छत के बगैर नहीं। एक्सक्यूज मी, मेकअप के बगैर शादी भी नहीं होती, मैं आपको बता दूं। एक मिनट बीबी, एक मिनट देखें, बात सुने जुनैद साहब, जो ख्वाब इकबाल ने देखा है अगर आप वो पूरा करना चाहते हैं तो मेरा अपना ख्याल ये है कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उनको टैक्स फ्री जोन में ही रहना चाहिए। ओहो, एक्सक्यूज मी, अगर मेकअप नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, अगर शादी नहीं होगा तो घर की जरूरत कैसे पड़ेगी? देखो देखो दंदल बीबी, आंचल 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 बीबी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक आदमी अगर शादी नहीं कराता तो वो कोई दरख्त पे रिहायश नहीं रखता। रिहायश हर कवारे के लिए, शादीशुदा के लिए, बेवा के लिए, रंडवे के लिए, हर शख्स के लिए रिहायश तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब आप, हमने अपनी एक रिहायश बेच के इनको पैसे दिए और ये जेंट साहब कोई पल्ला नहीं पकड़ा रहे। अच्छा परवान जी आप बताए ना, आप किस जवाज की आड़ में टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है? आप भी तो लाखों कमाते हैं। भाऊ जी कौन लाखों रुपया कमा रहा है? नौजवानों को नशे से दूर रखा हुआ तो मैंने, अगर कौम की सेहत का कोई ख्याल रख रहा है तो मैं। प्रोड्यूसर साहब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात को इस शो में जहमत दें, मेरा ख्याल है आपने अब्दुस्तार इदी मरहूम के सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए हैं, सारे ही कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार है, कारोबार कोई नहीं कर रहा। सवाल करना तो सवाल करें प्लीज, ये मेने मुड़े ना दें। अच्छा जी आप कौम की सेहत का ख्याल रख रहे हैं? जी मेरा ख्याल है कौम यहाँ से शुरू होगी यहाँ खत्म हो जाए, क्योंकि सेहत का ख्याल तो आपने सिर्फ इतने एरिए का ही रखा। बात ये है वसीम साहब, आई एम सॉरी, मेरा नाम वसीम नहीं, मेरा नाम जबीर है। मेरा ख्याल है ये आपके पास है नहीं, इसलिए आपकी जुबान पे नहीं चढ़ रहा है जमीर। ठीक है जो कुछ भी है जमीर साहब, बात ये है कि इत्तफाक के साथ आपके साथ मेरी मुलाकात होनी। अच्छा जी, ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप बार बार यूं करके मुड़ते हैं, ये आपके गर्दन का पट्टा जो है ना जी, ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे 5 दिन में जैसे कछुआ नहीं गर्दन निकालता, ऐसे आप गर्दन निकाल लेंगे। आई एम सॉरी, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरा स्टाइल है, और जो आपने मुझे एक्सरसाइज करवानी है वो मैं घर ही कर लेता हूँ। लो जी मलक साहब, जिवें तुसीं मुड़ के आए हो ना, मैनू नहीं सी उम्मीद कि तुसीं मुड़ आओगे, जदों मेरे बुरे हालात सी ना उदों मेरे को इहो जिहा घुमण वाला पक्का हुंदा सी। जुनैद भाई बात ये है कि अगर आपने कौम की बेहतरी के लिए ये प्रोग्राम रखा था तो वो तो सारा काम खराब हो चुका है, क्योंकि इन लोगों को ये सीरियस लोग नहीं आपने इकट्ठे किए। मुझे नजर आ रहा है, देखें देखें बात ये है कि इकबाल का जो थॉट था ना, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, उस पे सिर्फ एक ही शोभा अमल कर रहा है और वो है ये प्रॉपर्टी डीलर, सोसाइटियां बनाने वाले लोग। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस लिस्ट से निकाल के तो आप इन सब का एहतसाब करें इस प्रोग्राम में। लूट रहे हो तुम लोग, खिदमत तो हम लोग कर रहे हैं। एक घर में गुर्बत है, गोडे गोडे समझते होंगे, गोडे गोडे बिल्कुल समझता। सुबह को दूध नहीं है चाय के लिए, रात को रोटी नहीं है खाने के लिए, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, मोहल्ले में बेइज्जती हो रही है, खानदान में बेइज्जती हो रही है, उस घर के फर्द को हम बाहर भेजते हैं, वो वहां से रोटी भेजता है, उनके हालात ठीक होते हैं और फिर बाहर से पैसा हम लाते हैं अपने मुल्क में, हम कैसे टैक्स दें? जो इधर पैसे भेजते हैं ना वेलों के लिए, वो सब नशे पे लग जाए अगर हम जिम ना खोलें। हम कर रहे हैं खिदमत बाबू जी। अरे क्या आप लोगों ने खिदमत करनी है? अगर हम ब्यूटी पार्लर ना चलाएं ना तो घरों में सुकून खत्म हो जाए, झगड़े हो, ये तो हम मेकअप करके मुंह मत्थे लगने वाला उनका मुंह बनाते हैं तो घर में सुकून होता है। मैं तो अर्ज कर चुका हूँ ना कि आप सारे लोग अब्दुस्तार इदी मरहूम के रिश्तेदार हैं, सारे कारोबार नहीं कर रहे, इदी फाउंडेशन ही चला रहे हैं सारे। दुनिया भर में एक ही असूल है कारोबार का, आप कारोबार करते हैं आपको प्रॉफिट होता है, आपको आमदन होती है,
कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होती, हर कारोबारी शख्स को टैक्स देना पड़ता है। जितनी उसकी आमदन होती है। आप लोगों ने स्लैब्स बनाई हुई हैं, तख्सीस की हुई हैं, मैं खिदमत कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, फलां कर रहा, हर शख्स को अपनी आमदन के मुताबिक, अपने प्रॉफिट के मुताबिक टैक्स देना चाहिए। बात तो सादा सी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर आप आगाज करें ना, बिस्मिल्लाह आपसे की जानी चाहिए। हमारा को कारोबारी तो सिलसिला ही, आप एक 5 मरले के घर पे एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 10 लाख रुपया कमाते हैं। नेहत साहब, आपको क्या अंदाजा है 5 मरले के घर का या उसमें बसने वालों का? आप माशाल्लाह अमीर आदमी हैं, जिस बेचारे मस्कीन ने 5 मरले का घर बनाना है, पता नहीं किस तरह उन्हें एक एक पैसा एक एक पाई इकट्ठी करके बनाना है, ऊपर उसके टैक्स लगा दे, बेड़ा गर्क उसका होना है, हमारा तो कुछ नहीं। देखिए हुकूमत का या टैक्स ऑफिशियल्स का मौकफ बिल्कुल सीधा से, आप एक घर पे 1 लाख रुपया भी फर्ज करें कमाते हैं तो 1 लाख के हिसाब से टैक्स दे दें, अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हैं तो 10 लाख के हिसाब से टैक्स दे दें। टैक्स दे तो सही ना, टैक्स नेट में आए तो सही ना। और सर मुझे कोई काम तो दिलवाए, चाहे मेरा टैक्स क्या मेरी जिंदगी भी ले लें, वेला बंदा कहां से टैक्स दे। देखिए अभी तक आप कारोबार नहीं करने लगे ना, नौकरी नहीं करने लगे, जब आप कारोबार करने लगेंगे, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो फिर आप भी टैक्स नेट से इसी तरह भागेंगे जिस तरह ये लोग भाग रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कौम को खूबसूरत बनाना मेरा कारोबार नहीं, मिशन है। कौम को रहने दे, आप सिर्फ अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा दिल ना चढ़ाएं, आपकी भाभी है। अच्छा, मियां बीवी हैं जी, शोहर की तरफ कभी ध्यान क्यों नहीं पड़ा? एक्सक्यूज मी, दानिश को मेरी नजर से देखो, He is very handsome. पूरी दुनिया को अपनी आंखें दे दे। जुनैद साहब, जिस तरह की सोच है आपके मेहमानों की, मेरा ख्याल है ब्रेक ही ले ले। बनती है।